नमस्कार मैं हूं शशि संध्या समाचार में आपका स्वागत है आइए झारखंड के दिन भर की खबर जानते हैं 48 साल के हुए सीएम हेमंत सोरेन पीएम मोदी ने दी बधाई झारखंड की राजनीति में बुलंदियों को छूने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज 48वां जन्मदिन है आज इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी है राज्य में कांग्रेस राजद के साथ महागठबंधन की सरकार चला रहे हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए भगवान से उनकी अच्छी सेहत खुशी और दीर्घायु रहने की प्रार्थना की है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बाबा बैद्यनाथ से आपके स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी उनके उत्तम स्वास्थ्य की दीर्घायु की कामना की है बता दें हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होते ही गुरुवार 10 अगस्त से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है चुनाव आयोग के द्वारा इसकी अधिसूचना इस गुरुवार को जारी कर दी गई चुनाव आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 5 सितंबर को होने वाले डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए सत्रह अगस्त तक नामांकन होगा वहीं नामांकन पत्रों की स्कूटनी अठारह अगस्त को और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख इक्कीस अगस्त निर्धारित की गई पाँच सितंबर को सुबह सात बजे से अपराह्न पाँच बजे तक मतदान होगा बता दें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली जा रही है शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए केंद्रीय बलों के साथ साथ राज्य पुलिस के जवान मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे झारखंड के कई जिलों में तेरह से पंद्रह अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही है इसकी तैयारी लगभग अंतिम चरण पर है दरअसल झारखंड के कई जिलों में तेरह से पंद्रह अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा इसके तहत लोगों को अपने अपने घरों दफ्तरों पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है सरकार लोगों को तिरंगा उपलब्ध कराने के लिए डाकघरों पर इसकी बिक्री करवा रही है बता दें धनबाद में स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर तेरह अगस्त से पंद्रह अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा यह जानकारी उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन ने बुधवार को दी है कुख्यात नक्सली नेता प्रमोद मिश्रा दो साथियों के साथ गिरफ्तार बिहार पुलिस ने गया औरंगाबाद सीमा से कुख्यात नक्सली पुलिस ब्यूरो सदस्य प्रमोद मिश्रा उर्फ सोहन उर्फ शुक्ला उर्फ कन्हैया उर्फ जगत उर्फ नूर बाबा उर्फ अगिन उर्फ बान बिहारी को उसके दो अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया है बिहार पुलिस उसे गुप्त ठिकाने पर पूछताछ कर रही है इसकी सूचना झारखंड पुलिस के अलावा पुलिस अधिकारियों को भी है लेकिन इस मिशन को फिलहाल गुप्त रखा गया है बता दें प्रमोद कुमार मिश्रा मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र के कासमा गाँव का रहने वाला है उसका लंबे समय तक सरंडा में कार्यक्षेत्र रहा है वहीं वर्तमान में वह झारखंड बिहार सीमा पर छकर छकरबंधा में माओवादियों को मजबूत करने में जुटा हुआ था दो बच्चों की मां से सामूहिक दुष्कर्म तीन गिरफ्तार मधुपुर थाना क्षेत्र में दो बच्चों की मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने तीन आरोपियों को बुधवार की देर रात गिरफ्तार किया है वहीं दो आरोपियों के घर से दो बाइक भी जब्त किया गया पीड़िता के बयान पर चार लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है पुलिस चौथे आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है घटना के संबंध में बताया गया है कि मधुपुर थाना क्षेत्र की दो बच्चों की 24 वर्षीय मां मंगलवार को अपनी बहन से मिलने गई थी वहां से देर शाम को वह वा, वापस लौट रही थी इस दौरान रास्ते में राजबाड़ी रोड व रेलवे न्यू कॉलोनी गली के बीच एक आल्टो कार महिला के पास आकर रुका और उसमें सवार चार युवकों ने महिला को जबरन कार में बैठा लिया झारखंड आदिवासी महोत्सव में गीत नृत्य ने बांधा समा झारखंड की धरती को ऊपर वाले ने प्रकृति कला और संस्कृति से बखूबी नवाजा है झारखंड आदिवासी महोत्सव के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम की शोभा देख ऐसा लग रहा है जैसे रांची में मिनी भारत जीवंत हो उठा है बता दें झारखंड समेत देश के कई राज्यों के कलाकार अपनी नृत्य प्रतिभा से लोगों का मन मोह रहे हैं झारखंड आंदोलन के लिए कई नागपुरी गीत लिखने और गाने वाले पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख का जन्म 4 सितंबर 1948 को रांची के सिमिलिया में हुआ वहीं 1960 में जब उनकी आयु 12 वर्ष थी तब उन्होंने पहला गीत गाया था पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख के गायन और लेखन की प्रतिभा को देखकर उन्हें कई उपाधियों से नवाजा गया है उनकी कई उत्कृष्ट रचनाओं के अनुपम श्रृंखला में नागपुर कर कोरा व गाँव छोड़ब नहीं जंगल छोड़ब नहीं उल्लेखनीय है डुमरी उपचुनाव से पहले मंत्री बेबी देवी ने बाबा से लिया आशीर्वाद बोकारो जिले के डुमरी विधानसभा में पाँच सितंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले झारखंड की मग्ध निषेध मंत्री बेबी देवी, देवी ने कतरास के काको मठ जाकर बाबा से आशीर्वाद लिया दिवंगत शिक्षा एवं मग्ध निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी डुमरी विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगी जगन्नाथ महतो के निधन के बाद हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल में बेबी देवी को शामिल किया गया और उन्हें मग्ध निषेध मंत्री बनाया अब वहां उपचुनाव होने जा रहा है निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीख तय कर दी है इस उपचुनाव को लोकसभा और झारखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव दो हजार चौबीस का सेमीफाइनल माना जा रहा है बता दें कांकोमाट में बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद बेबी देवी वहां से चली गई उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि वह बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आई थी झारखंड में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप बारिश का मौसम शुरू होते ही झारखंड की राजधानी रांची जमशेदपुर समेत पूरे राज्य में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और राज्य के सभी जिलों में मच्छर जनित बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य जांच बढ़ाने का निर्देश दिया है इसके अलावा जिला अस्पताल से लेकर पी -सी और सी में जाँच किट उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने मच्छरों का लार्वा नष्ट करने का काम शुरू कर दिया है रांची नगर निगम भी लगातार साफ़ सफाई के लगातार विशेष अभियान चला रहा है इधर जमशेदपुर में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री ने जिले वासियों से सुरक्षित रहने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन की अपील की है झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कैसे रुकेगी साइबर ठगी झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के जामतड़ा साहेबगंज देवघर आदि जिलों में साइबर अपराध को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी राज्य सरकार व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पक्ष सुना खंडपीठ ने राज्य सरकार व आर से पूछा है कि साइबर ठगी कैसे रोकी जा सकती है अतिरिक्त सुझाव के साथ प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है इसके बाद खंडपीठ खंडपीठ अपना आदेश पारित करेगा। ने RBI से कहा है कि बेंगलुरु में एक हेल्पलाइन नंबर है इसे यहाँ भी शुरू किया जा सकता है सीएम हेमंत से मिले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर मंत्री आलमगीर आलम मंत्री बादल पत्रलेख और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने मुलाकात कर बधाई दी है इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की गई वहीं राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई विषयों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया इधर झारखंड आये कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है एक बार फिर से राहुल गांधी देश के युवाओं महिलाओं किसानों एवं आम जनता की समस्याओं को लोकसभा में रखने लगे हैं डुमरी उपचुनाव संवेदनशील बूथों पर होगी कड़ी सुरक्षा डुमरी विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही गिरिडीह जिला प्रशासन भी रेस हो गया है आगामी पांच सितंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर डीसी नमन प्रिय लकड़ा के नेतृत्व में समानालय में बैठक की गई इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा भी की गई साथ ही यह इलाका नक्सल प्रभावित होने के कारण संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती करने का निर्णय लिया गया वहीं इलाके में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई इस बैठक में एस दीपक कुमार शर्मा एस, एस अभियान गुलशन तिर्की डी मुख्यालय संजय राणा एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह व सार्जेंट मेजर भी शामिल हुए गिरीडी के गांव में डायरिया का प्रकोप दो की मौत हरलाडीह पंचायत के मंदना डीह में फैले डायरिया से बुधवार सुबह प्रभु बेसरा अड़तालीस वर्षीय पिता पैका बेसरा और बड़की देवी सत्तर वर्षीय पति जीवन बेसरा की मौत हो गई है गांव में डायरिया से एक दर्जन से अधिक लोग पीड़ित भी हैं मामले की जानकारी मिलने के डेढ़ घंटे के अंदर विधायक सुदेव्य कुमार सोनू स्वास्थ्य विभाग की टीम बी डी के साथ गाँव पहुँचे तत्काल पीड़ित लोगों की एक सूची बनाकर उन्हें पी एच सी हरला डी व सी एच सी पीरा टाँड में भर्ती किया गया विधायक ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर सरकारी लाभ देने का आश्वासन दिया है उन्होंने डायरिया से पीड़ित परिवारों को तत्काल अनाज की व्यवस्था कराई वहीं खराब चापाकलों को ठीक भी कराया गया है ग्रामीणों ने बताया कि गांव का चारों चापाकल खराब है इसके कारण उन्हें कुआं का पानी पीना पड़ रहा है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का आइकन दबाइए साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू